नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। एक वांछित अभियुक्त एक अवैध तमंचा दो कारतूस के साथ गिरफ्तार। थाना कोकराज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक वांछित अभियुक्त एक अवैध तमंचा दो कारतूस के साथ गिरफ्तार। थाना कोकराज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम स्त्रोही अरसद पुत्र मोहम्मद मियान काफी दिन से पुलिस को दे रहा चकमा। खास मुखबिर की सूचना पर पहुंची कोकराज पुलिस सहजादपुर चौकी इंचार्ज सूबेदार बिंद अपने सिपाहियों के साथ। ओम नारायण गौतम, धीरेन्द्र राय, उमा शंकर यादव अभियुक्त को धर दबोचा। उसके पास से एक आदत तमंचा, 12 बोर, दो आदत जिंदा कारतूस बरामद हुए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय किया गया है। किस तरह का अपराधी था ये, कितना इनाम घोषित था इस पर? कल पुलिस के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है कौशाम्बी पुलिस कोकराज द्वारा। कल दिनांक 27/12/2018 समय लगभग 2115 बजे रात्रि 9:15 के करीब हमारी कौशाम्बी पुलिस के द्वारा हमारे इंस्पेक्टर श्री राकेश सरोज, चौकी इंचार्ज सूबेदार बिंद, सहजादपुर चौकी इंचार्ज ओम नारायण गौतम और धीरेन्द्र राय और उमा शंकर यादव, इन एक मुखबिर की सूचना पर ग्राम सरोही के जाकर के बलीपुर के पास महाविद्यालय से अरसद पुत्र मोहम्मद मियां, आरओ सरोही और थाना कोकराज और सामने को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2016 में इसके खिलाफ 503/16 में इसने पुलिस पर हमला भी किया था। जब अरेस्टिंग करने की पुलिस गई थी तो हमला किया गया था, इस पर 15,000 का इनाम था। एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, इन सभी अधिकारी कर्मचारियों को उसका दिया जाएगा।